नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 जून, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने छात्रों के लिए शुरू की नई सुविधा। बिहार में बड़े पैमाने पर हुआ आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। बाढ़ पीड़ितों को मदद के रूप में मिलेंगे इतने रुपए। धान समेत कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी। WTC फाइनल में काली पट्टी बांधकर इस वजह से खेल रहे भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 782 पदों पर भर्ती। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में अप्रेंटिसशिप के 782 रिक्त पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को 10वीं कक्षा या 12वीं या उत्तीर्ण करने के साथ ही अन्य निर्धारित योग्यताएँ होना आवश्यक है, जिसे उम्मीदवार आवेदन करने के पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन में जरूर देख लें। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट pb.icf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जून 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहार बोर्ड ने छात्रों के लिए शुरू की नई सुविधा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा छात्रों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत अब छात्रों को सभी जानकारी समय समय पर SMS के माध्यम से दी जाएगी। बता दें कि इसके अलावा बोर्ड की ओर से एक स्टूडेंट फ्रेंडली वेबसाइट को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसकी मदद से यूनिक ID से रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अब त्रुटि में खुद से भी सुधार करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की ओर से बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे में छात्रों के द्वारा अगर रजिस्ट्रेशन किए जाने के दौरान किसी प्रकार की कोई गलती हो गई थी तो वे जारी किए गए डमी कार्ड में अपने शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से 16 जून 2023 तक अपनी त्रुटि को सुधार कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाना होगा। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे कोसी और गंगा नदी का संगम स्थल के बारे में। कोसी और गंगा नदी के संगम स्थल कटिहार जिले का एक मुख्य धार्मिक स्थल है। इस संगम स्थल को त्रिमोहनी संगम स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और स्नान करते हैं। यह संगम स्थल बहुत सुंदर है। यहाँ पर एक स्मारक भी बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मकर संक्रांति के समय बहुत सारे लोग आते हैं। संगम स्थल पर आप अपने वाहन से या ट्रेन के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जिसके द्वारा आप यहाँ पर आराम से पहुंच सकते हैं और रेलवे स्टेशन से संगम स्थल करीब 2 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ पर मकर संक्रांति में बहुत भीड़ लगती है, यहाँ आकर आपको अच्छा लगेगा। बिहार में बड़े पैमाने पर हुआ IAS अफसरों का ट्रांसफर। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि कई विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवों का ट्रांसफर कर दिया गया है। बता दें कि जिन वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के पाठक, अपर मुख्य सचिव मध्य निषेध विभाग प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग हरजोत कौर बमहरा, अपर मुख्य सचिव सह खान आयुक्त परमार रवि मनुभाई, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग अरविंद कुमार चौधरी, प्रधान सचिव श्रम संसाधन विभाग विजय लक्ष्मी एम समेत कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। नए माध्यमिक शिक्षकों को वेतन भुगतान का आदेश। शिक्षा विभाग के द्वारा छठे चरण के अंतर्गत नवनियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को जुलाई तक का वेतन भुगतान का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इन शिक्षकों को अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन 31 जुलाई 2023 तक अनिवार्य रूप से करा लेना होगा और अगर इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो उसके लिए जिला प्रशासन से मदद ली जा सकती है। वहीं इस कार्य में जिन भी कर्मचारियों या पदाधिकारियों के द्वारा शिथिलता बरती जाएगी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि छठे चरण में करीब 5000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली हुई है। बिहार में फैल रहे फाइलेरिया के पोल खोलेगा नाइट ब्लड सर्वे। बिहार में फाइलेरिया के प्रसार को रोका जा सके इसके लिए नाइट ब्लड सर्वे करवाया जाएगा और जानकारी हासिल की जाएगी।
बता दें कि इस सर्वे के दौरान संग्रहित किए गए खून के नमूनों की सटीक और त्रुटिहीन जांच के लिए राज्य के 14 जिलों के चयनित किए गए लैब टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही 10 प्रीटास जिलों के 39 इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के लैब टेक्नीशियनों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें कटिहार, खगड़िया, जहानाबाद, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सिवान, बांका और भागलपुर जिले के लैब टेक्नीशियन शामिल हैं। बता दें कि 10 अगस्त से राज्य के 14 चयनित जिलों में MDA कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। मालूम हो कि इसको लेकर पहले ही अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फाइलेरिया डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद के द्वारा पत्र जारी कर दिया जा चुका है। बाढ़ पीड़ितों को मदद के रूप में मिलेंगे इतने रुपए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राहत कोष न्यास परिषद की 22वीं बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि अब बाढ़ राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को 600 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से दी जाने वाली मदद को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए जाए। इसके साथ ही अगर बाढ़ के दौरान राहत शिविरों में लड़की के जन्म होने पर 15000 रुपए और लड़के के जन्म होने पर 10000 रुपए दिए जाए। बता दें कि इस बैठक के दौरान यह बात निकलकर सामने आई है कि राज्य के 10 बाढ़ प्रभावित इलाकों में 100 आश्रय स्थल का निर्माण के लिए अब तक 84,57,26,582 रुपए निर्गत हो चुके हैं और अब तक 58 बाढ़ आश्रय स्थल तैयार हो चुके हैं। बिहार मुक्त विद्यालयों शिक्षण और परीक्षा बोर्ड के दिसंबर 2022 की माध्यमिक परीक्षा इसी महीने। बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण और परीक्षा बोर्ड की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि दिसंबर 2022 की माध्यमिक परीक्षा इसी महीने यानी कि जून 2023 में ली जा सकती है। ऐसे में इस परीक्षा से संबंधित डमी परीक्षा प्रवेश पत्र में अपेक्षित सुधार के लिए सभी अध्ययन केंद्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार माह दिसंबर 2022 से संबंधित उच्च माध्यमिक 12वीं की परीक्षा बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना के द्वारा ली जाएगी। इसके लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि यह परीक्षा जुलाई 2023 के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त 2023 के प्रथम सप्ताह में हो सकती है। वहीं जून 2023 की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने की सूचना जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त 2023 के प्रथम सप्ताह में दी जाएगी। शराब से मरने वालों को एक सप्ताह में मिलेगा मुआवजा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अप्रैल महीने में बिहार में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को मुआवजे के रूप में 4,00,000 रुपए देने की घोषणा की थी। ऐसे में अब इस घोषणा के कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं अब इस पर मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार के द्वारा कहा गया कि अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया है, अभी जांच पड़ताल ही चल रही है। जिनका पोस्टमार्टम हो चुका है उनके परिजनों को मुआवजा देने में तो परेशानी नहीं होगी, उन लोगों का जिनका पोस्टमार्टम के बिना ही बॉडी डिस्पोजल कर दिया गया, जांच पड़ताल की जा रही है, उनमें थोड़ी परेशानी है। मुआवजा देने में उनके परिजनों को समय लग सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि 17 अप्रैल के बाद केवल उन्हीं लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा जिनका पोस्टमार्टम हुआ है। राज्य के सभी सरकारी डॉक्टरों को लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। राज्य के सभी सरकारी डॉक्टरों को लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। मेडिकल कॉलेजों के तर्ज पर राज्य के अन्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में भी डॉक्टरों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा यह नियम वैशाली और सारण सदर अस्पताल में प्रायोगिक तौर पर शुरू कर दिया गया है और अब इसके बाद अन्य सदर अस्पताल और फिर निचले स्वास्थ्य संस्थानों में इसकी शुरुआत की जाएगी। बता दें कि इसका ट्रायल इसी महीने तक लिया जाएगा और ट्रायल के सफल होने के बाद ही इसे अन्य अस्पतालों में जारी किया जाएगा। मालूम होगी वैशाली और सारण के सिविल सर्जन को जो पत्र भेजा गया है उसमें कहा गया है कि गृह विभाग की ओर से लिए गए निर्णय के आलोक में सरकारी कर्मियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अंबिका देवी के बारे में। अंबिका देवी एक भारतीय कलाकार हैं जो मधुबनी कला परंपरा में काम करती हैं। देवी अपनी कला में पारंपरिक रूपांकनों और पैटर्न का उपयोग करती हैं, हिंदू धार्मिक कल्पना के साथ साथ प्रकृति से विषयों को चित्रित करती हैं। देवी कागज और पेंट दोनों तैयार करती हैं जिनका वे स्वयं उपयोग करती हैं। अपनी स्वयं की कला के अलावा देवी छात्रों को मधुबनी तकनीक और कला सिखाती हैं, भारत सरकार के लिए कार्यशालाएँ चलाती हैं। उनका काम दस्तकार फैशन शो में प्रतिनिधित्व करने वाले 15 कलाकारों में से एक था जो मैरी क्लियर पत्रिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था। उनका काम 2014 में नानचोंग इंटरनेशनल कंटेम्परेरी क्राफ्ट बीएनएल में भी प्रदर्शित किया गया था।
2009 में उन्हें कला में उनके योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्तशिल्प पुरस्कार भी मिला। 2018 में भारतीय शिल्प परिषद ने उन्हें शिल्प कौशल में उत्कृष्टता के लिए कमला पुरस्कार से सम्मानित किया। 2021 में उन्हें तेलंगाना के शिल्प परिषद द्वारा हस्तशिल्प के उत्कृष्टता के लिए सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे का निर्माण इस वर्ष तक होगा पूरा। भू अर्जुन की पेंच फंसा होने के कारण 118 किलोमीटर लंबाई में करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना के गुनवा पडरी रामतरी आरा जिले के कायम नगर बामपाली असनी भोजपुर जिले के गढ़हनी उदवंत नगर ताड़ाही रोहतास जिले के गंगोली अखौड़ी गोला सुअरा से होकर सासाराम तक जाने वाली पटना आरा सासाराम NH 119 A4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि भू अर्जन से जुड़े सभी कामों को इसी वर्ष पूरा कर वर्ष 2025 तक पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाता है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते वाराणसी प्रयागराज और लखनऊ दिल्ली और कोलकाता के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिल जाएगी और साथ ही पटना से सासाराम की दूरी भी कम होगी। धान समेत कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी। केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के तहत वर्ष 2023-24 फसल वर्ष के लिए सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 143 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिसके बाद धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर 2040 रुपये से 2183 रुपये हो जाएगा। वहीं ए ग्रेड के धान का MSP 163 रुपये बढ़ाकर 2203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसके अलावा मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेम पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार बाजरा रागी मेज अरहर दाल उड़द दाल सोयाबीन सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 6-7% की वृद्धि की गई है। बता दें कि इस बात की जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा दी गई है। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का होगा यादगार स्वागत। बिहार की राजधानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन और बापू सभागार में 22 और 23 जून को 2 दिवसीय G20 की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर 21 जून को सभी विदेशी मेहमान पटना पहुंच जाएंगे। ऐसे में उनके स्वागत को यादगार बनाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि पटना में होने वाले G20 की बैठक को लेकर केंद्र सरकार की ओर से श्रम मंत्रालय और बिहार सरकार की ओर से कला संस्कृति विभाग को नोडल बनाया गया है। वहीं इस बैठक को सफल बनाया जा सके इसके लिए राज्य सरकार के कई विभाग अपना योगदान दे रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 21 जून की दोपहर सभी विदेशी मेहमान पटना पहुँच जाएंगे और एयरपोर्ट से सीधे होटल मौर्य लेमन ट्री और पनास जाएंगे। इसके बाद 4:30 बजे तक सभी मेहमान बिहार संग्रहालय पहुंचेंगे, जहां इनका स्वागत सत्कार किया जाएगा और फिर सभी का रात्रि भोजन होटल मौर्य में होगा। इसके बाद 22 जून से G20 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत होगी। भीषण हीट वेव की चपेट में बिहार के अधिकतर जिलों में 13 से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गर्म हवा चल रही है। ज्यादातर जिलों में लू की स्थिति है। अगले कुछ दिनों तक मौसम का यही रुख रहने वाला है। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार बिहार में मॉनसून संभवतः 17 से 19 जून के बीच पूर्णिया के रास्ते प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि 11 जून को बिहार के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से 8 जून को 9 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बेगूसराय बांका पूर्णिया पूर्वी चंपारण शेखपुरा भागलपुर खगड़िया अररिया और सुपौल में हीट वेव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। 8 और 9 अप्रैल को पूर्वी चंपारण पूर्णिया और बेगूसराय में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि खगड़िया भागलपुर अररिया और सुपौल में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 10-11 जून को खगड़िया भागलपुर बांका और जमुई में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आरा औरंगाबाद नालंदा और नवादा में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। BSSC CGL मेंस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी। अगर आपने भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का प्रारंभिक परीक्षा दिया था और उसमें सफलता पा ली थी तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के मेंस परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट bssc.bih.gov.in पर जाकर CGL मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जून 2023
2023 तक निर्धारित की गई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी अब भविष्य में जानकारी के लिए एक प्रिंट निकालकर जरूर रख लें। 50 फीट से नीचे जलस्तर वाले पंचायतों में बनेंगे पोखर। कृषि विभाग के द्वारा करीब 46 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसके तहत दक्षिण बिहार के जिलों में जिन पंचायतों का जलस्तर 50 फीट से नीचे चला गया है, वहां आहर पोखर का निर्माण किया जाएगा और साथ ही पुराने आहर का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। मालूम हो कि जारी किए गए राशि से दक्षिण बिहार के 17 जिलों में 389 साद अवरोधक, 1610 आहड़ का जीर्णोद्धार, 201 मेरबंदी, 270 चेक डैम, 479 जल संचयन तालाब और 292 फार्म तालाब बनाए जाएंगे। इसके साथ 110 हेक्टेयर में भूमि का समतलीकरण का कार्य भी किया जाएगा। बता दें कि जल संरक्षण का उपाय होने से इन जिलों में भूमि संरक्षण का काम भी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिन 17 जिलों में यह काम किया जाएगा उनमें बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर और भागलपुर शामिल है। 12 जून को विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को टाल दिया गया था, लेकिन बता दें कि अब इस बैठक की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। मालूम हो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा जानकारी दी गई है कि बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक जो 12 जून को होने वाली थी और उसे रद्द कर दिया गया था, अब वह बैठक 23 जून को होने वाली है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आ रहे हैं। इसके अलावा शरद पवार, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, डीजी राजा, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी सहमति दी है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद रहेंगे। सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश पर लगाया बड़ा आरोप। बिहार के भागलपुर में पुल के गिरने से बिहार के राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि इस कड़ी में अब सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक यानी कि राजद विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी का बयान नहीं सुना है, लेकिन एक दो लोगों का सुना है, देखा है किसी पदाधिकारी की तरफ से बयान दिया गया है। सरकार चलाना पदाधिकारी का काम है या राजनेताओं का है, यह तो नई परंपरा बन गई अधिकारियों पर दोषारोपण करना। जब अधिकारी हैं, सरकार चला रहे हैं, तो फिर हम चुनाव जीतकर क्यों आते हैं? फिर मुख्यमंत्री या मंत्री का क्या औचित्य है? यह तो वैसे ही हुआ जैसे बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है। संजीव जी जिस अधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं उस अधिकारी की नियुक्ति, प्रमोशन, ट्रांसफर, दंड तो सीएम को देना है। ऐसे में मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किया तो दोषी कौन हुआ? तो सीधे संजीव जी मुख्यमंत्री को दोषी क्यों नहीं बता रहे? बस इसलिए कि इनके पार्टी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वह कुछ नहीं बोल पा रहे। ओडिशा रेल हादसे का आरोपी अगर पीएम मोदी हो सकते हैं, तो फिर बिहार में पुल गिरने का आरोपी नीतीश कुमार क्यों नहीं हो सकते? विपक्षी दलों की बैठक को लेकर सीएम नीतीश की डिमांड पर बनी सहमति। 12 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक को टाल दिया गया है और अब अगली तारीख को लेकर मंथन जारी है। दरअसल 12 जून की बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस की ओर से एक मुख्यमंत्री और एक संगठन से जुड़े नेता के नाम को सीएम नीतीश के सामने रखा गया था और उन्हें मंजूर नहीं था, क्योंकि वह चाहते थे कि इस बैठक में सभी दलों के शीर्ष नेता शामिल हो। इसी को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान के द्वारा ईटीवी से हुए साक्षात्कार में बताया गया है कि विपक्षी बैठक स्थगित की गई क्योंकि हमारे दल के बड़े नेता राहुल गांधी अभी विदेश दौरे पर हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी दूसरे काम में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि यह बैठक राजधानी पटना में ही होगी। मुकेश सहनी इस दिन लेंगे गठबंधन पर फैसला। 25 जुलाई को फूलन देवी के शहादत दिवस के मौके पर विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। बता दें कि इसके लिए पार्टी की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि इस बारे में वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति के द्वारा बीते दिन जानकारी देते हुए बताया गया कि 25 जुलाई को फूलन देवी की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के द्वारा गठबंधन को लेकर कोई घोषणा किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इसी दिन एक बैठक भी आयोजित की जाएगी जिसमें 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। WTC फाइनल में काली पट्टी बांधकर इस वजह से खेल रहे भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी।
बीते दिन से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बीते दिन हुए इस मैच में देखा गया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ी बाजू पर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे थे। बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि ओडिशा के बालासोर की रेल दुर्घटना में जिन भी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है उन्हें खिलाड़ियों की ओर से काली पट्टी बांधकर श्रद्धांजलि दी गई है। इसके साथ ही WGC फाइनल मैच के आगाज से पहले भारतीय खिलाड़ियों ने ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए 2 मिनट का मौन भी धारण किया था। इस दौरान सभी खिलाड़ी मैदान पर 2 मिनट तक शांत खड़े नजर आए और उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। औरंगजेब ने 1658 में आगरे के किले पर कब्जा किया। भारत के सरकारी रेडियो नेटवर्क का 1936 में नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। भारत की पहली विमान सेवा एयर इंडिया ने भारत और ब्रिटेन के बीच हवाई सेवा 1948 में शुरू की। 2004 में भारत सहित दुनिया के कई देशों में 122 वर्ष के बाद शुक्र पारगमन का अद्भुत नज़ारा फिर देखा गया। कर्नाटक संगीत के गायक मदुराई मणि अय्यर का निधन 1968 में हुआ। मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का निधन 2009 में हुआ। आज के दिन विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि हाँ, भारत सरकार ने नेटवर्क और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाले मालवेयर और बॉटनेट की जांच के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह केंद्र @MeitY@DigitalIndia का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य सुरक्षित साइबर स्पेस बनाना और बॉटनेट संक्रमण की पहचान करना है। WhatsApp पर HD क्वालिटी में पिक्चर्स शेयर करना हुआ आसान। मेटा के पॉपुलर चैटिंग ऐप WhatsApp पर बहुत जल्द यूजर्स के लिए HD क्वालिटी में इमेज ट्रांसफर करना आसान होने जा रहा है। यह अपडेट एंड्रॉयड और iOS बीटा यूजर्स के लिए जारी किया गया है। दरअसल WA बीटा इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट की माने तो WhatsApp अपने यूजर्स के लिए फोटो शेयरिंग को पहले से बेहतर बनाने का काम कर रहा है। एक नए फीचर को ऐप की ओर से अभी टेस्ट किया जा रहा है। WA बीटा इन्फॉर्मेशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक WhatsApp यूजर के पास फोटो को शेयर करने के दौरान स्टैंडर्ड क्वालिटी का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होगा। स्टैंडर्ड क्वालिटी को सेलेक्ट किया जाता है तो पिक्चर जल्दी सेंड की जा सकेगी। इसके साथ ही यह रिसीवर के डिवाइस में कम स्टोरेज को घेरेगी। वहीं अगर WhatsApp यूजर HD क्वालिटी में फोटो शेयर करना चाहते हैं तो उसे HD ऑप्शन को मैन्युअली सेलेक्ट करने की जरूरत होगी। HD क्वालिटी में फोटो सेंड करने पर इमेज में HD लिखा हुआ भी नजर आएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं रंजित मिश्रा, राजीव कुमार, कमलेश शर्मा, BDC, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, मोहम्मद अफजल मंसूरी, निशा कुशवाहा, मोहम्मद शकीर हुसैन, मनोज कुमार, KK सिन्हा, अहमद, अंशु प्रिया, रमन कुमार, रविशंकर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी होने से किसानों को क्या फायदा मिलेगा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।